नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करें, बिकॉज प्रार्थना में बहुत बड़ा पावर होता है एंड आई बिलीव कि हम सब इंसान उस बड़े पावर के सामने कुछ भी नहीं है। दैट बिग पावर, दैट पावर जिसने इस विश्व का निर्माण किया, दैट पावर विल डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस। जी हाँ, मैं अहमदाबाद से दूर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट पर आई हूँ एंड ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है। ये जगह है माउंट आबू एंड हम सबको ऑब्वियसली माउंट आबू हो या कोई और दूसरी भारतीय टूरिस्ट स्पॉट हो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मगर हम भारतीय लोगों को देश छोड़ के विदेश जाना बहुत पसंद है। बट कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय आई थिंक पीपल हैव बीन कंपेल्ड टू एक्सप्लोर प्लेसेस विच आर नियर बाय हैविंग गुड कोविड प्रिकॉशंस। तो मैं यहां पर आई हूं, एक बहुत ही प्यारा सा होटल है, होटल हिल्टन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट द मंदिर्स आउट हियर बिकॉज माउंट आबू में बहुत अच्छे मंदिर्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। नमस्ते, जय हिंद। अभी हम दिलवारा टेम्पल्स जा रहे हैं, मगर वहाँ पर आई डोंट थिंक अलाउड है कैमरा ले जाना। मैंने मास्क पहना हुआ है सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू टॉक मास्क निकाल के। संग्राम, यू कैन से हेलो। हेलो हेलो। यहाँ पे ये मेरे ब्रदर है पीछे बैकग्राउंड में। तो हम लोग अभी दिलवारा टेम्पल्स जा रहे हैं और आई थिंक आपको पीछे दिखेगा, ये देख रहे हैं हम बैक एंट्री से जा रहे हैं क्योंकि पांच मंदिर एक साथ हैं। मार्बल का बना हुआ है, बहुत पुराना टेंपल है और हिस्ट्री है इसकी। और उस टाइम ये बना है जब यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, कोई कन्वेंस नहीं थी। अच्छा। मार्बल कहीं से लाया था। अच्छा। और कारीगरों ने ये बनाया था। ओके। और उसके बाद में जो कारीगर थे उन्होंने जो वेस्टेज था, जो उनका बचा कुचा पत्थर था, तो वो इकट्ठा करके उन्होंने एक टेंपल और मतलब दिया कि देखो हमने वेस्ट से बनाया। ठीक है, बाकी तो स्टोरी तो अंदर पूरी है, वो अंदर वाली बताएंगे। ठीक है, तो संग्राम का यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है बहुत रिलक्टेंटली। ये हम रास्ते में जा रहे हैं, दिस इज द रूट टू गो। अभी तो टेंपरेरी सब कुछ बंद है, ये तो यहाँ पे बहुत रश होता है। क्या होता है यहाँ पे? बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है। हाँ। गो करोना गो। हे भगवान। हम लोग सब अभी मास्क पहन के अंदर जा रहे हैं। मोदी जी ने दुआ मांगी थी कि भैया मैं कभी राजस्थान आऊँ तो इस टेंपल में जाऊँ, कोरोना खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कब दुआ मांगी? मोदी जी ने बोला था कि इस टेंपल में जाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए इस टेंपल में जा रहा हूँ। संग्राम, अब तो मास्क पहनो। Wear your mask. का जो मैं अभी बाहर आ रही हूँ दिलवारा टेम्पल से एंड दिलवारा टेम्पल्स की जो कार्विंग्स थी वो कार्विंग्स बनाई गई थी 1572 में। द कार्विंग्स वॉज डन सो इंट्रिकेटली कि वो कार्विंग्स देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या साइंटिफिक लेवल होगा उस समय, यू नो, आर्किटेक्ट्स का, जो लोग स्कल्पचर्स का, जो बैठ के ये सब कर सकते थे उस समय, जिस समय इतना कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट भी नहीं था। एवरीथिंग जो आज हम कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई ने, पता नहीं क्या क्या हो गया,
फलाना ठिकाना हो गया उस समय 1572 में कैसे पॉसिबल हुआ ये सब करना। आप लोगों को आना चाहिए दिलवाड़ा टेम्पल्स, दिलवाड़ा टेम्पल्स में आके आप लोगों को स्ट्रक्चर्स देखने चाहिए, जो सीलिंग्स पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, यू कैन एक्चुअली सी यू नो डिटेलिंग लाइक नेल्स ऑफ भगवान शिवा एंड यू नो पार्वती एंड एवरीथिंग, इट इज़ डन सो ब्यूटिफुली। आप अगर एक जगह खड़े रहेंगे तो आपको चार दिशा में स्टैचूज दिखेंगी महावीर जी की, एंड इट इज़ अमेजिंग। किधर भी आप खड़े हो जाए मंदिर के अंदर आपको स्टैचूज दिखेंगी एट फोर डायरेक्शंस, इन फोर डायरेक्शंस। जी हाँ, किधर भी आप मंदिर के अंदर खड़े हो जाए। एंड इसकी एक कहानी है, ये कहानी के ऊपर मैं रिसर्च करके प्रॉपरली आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, बट राइट नाउ दिस वीडियो इज़ टू इन्फॉर्म एवरीबडी दैट मैं अभी दिलवाड़ा टेम्पल से बाहर आई हूँ। एंड दिलवाड़ा टेम्पल से बाहर आके जो मैंने कार्विंग्स देखी हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग। मतलब कोई भी कार्विंग इन ताजमहल इज़ नथिंग कम्पेयर टू वॉट आई सॉ राइट नाउ इन दिलवाड़ा टेम्पल्स। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग, सो डेलिकेटली इंट्रिकेटली डन दैट हम सबको अपने धर्म सनातन धर्म के ऊपर गर्व होना चाहिए। जी हाँ, ये टेम्पल्स जैन टेम्पल्स हैं, मगर मेरे लिए जैन सिख हिंदू सब लोग सनातनी हैं, बिकॉज दैट्स द थॉट प्रोसेस आई बिलीव इन। तो आप सब लोग जो माउंट आबू नेक्स्ट टाइम आए, प्लीज़ दिलवाड़ा टेम्पल्स आइए। जी हाँ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सी इन योर लाइफ टाइम, इट इज़ अमेजिंगली डन। 1572 का स्ट्रक्चर है, एंड उस समय किस हिसाब से उन्होंने इतनी ब्यूटिफुल मूर्तियाँ बनाई और इतनी ब्यूटिफुल मूर्तियों को ऊपर ऑन द सीलिंग स्टिक किया होगा, देयर मस्ट बी नो सीमेंट आल्सो एट दैट टाइम, हाउ डिड दे डू दैट इज अमेजिंग। मतलब दैट थॉट ओनली मेक्स मी फील कि ओ माय गॉड, मेरा धर्म कितना साइंटिफिक था। मगर ऑब्वियसली हम हमारे धर्म के से प्राउड नहीं फील करते, क्योंकि हमको सेक्युलर्स ने बोला है कि हमारा धर्म रिग्रेसिव है। हमारा धर्म इतना प्रोग्रेसिव था, इतना प्रोग्रेसिव था कि 1572 की एडी में भी स्ट्रक्चर्स बनते थे जो स्ट्रक्चर्स आज की तारीख में कॉपी नहीं हो सकते। बस इतना ही कहना है। अभी मैं गुरु शिखर टॉप पे जा रही हूँ। मैंने मास्क पहना हुआ है, बिकॉज मास्क के बिना आई रियली डोंट वॉन्ट टू गो, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे मास्क नहीं पहन रहे। सो हम गुरु शिखर, ये टॉप है, ये पीक है राजस्थान में, वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पर, क्राउड लेस है क्योंकि कोरोना वायरस है, सब कुछ कम कम है, काफ़ी चलना है, बट मैंने पीटी शूज पहन रखे हैं तो चलना आसान हो गया है। आप देख रहे हैं इतना ऊंचा वो शिखर है, आई थिंक जहां हमको जाना है, एंड दैट्स द होल थिंग। जी हाँ, माउंट आबू में भी टूरिस्ट स्पॉट है, ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात लगती है बहुत सारे लोगों को। लोग कहते हैं कि माउंट आबू में टूरिस्ट स्पॉट है। देखिए अभी हम लास्ट सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वी हैव रीच्ड द शिखर, अभी और ऊपर है। सो इट्स ओके, वी डू एडवेंचरस थिंग्स ऑन माई बर्थडे, अनलाइक अदर पीपल हु एंड अप ड्रंक एंड लॉस्ट, लाइफ हैज चेंज्ड। We have to wear the mask because of safety. तुम नीचे नहीं उतरोगे तब तब आपको फोन करूँगा। Okay. संग्राम is busy on the phone. Okay. That is the शिखर, इतना ऊपर अभी रह गया है। चलो पीछे।
ये मास्क में अच्छा है, हम लोग अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द सिचुएशन लाइक दिस. देर आर पीपल बट वी आर ओके, वी फिगर्ड इट आउट. ये सारी ब्यूटी है गुरु शिखर से. हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे हैं, लोग कम है, मास्क पहना हुआ है, सिचुएशन कंट्रोल में है. भारत के अंदर गुरु शिखर पीक इन राजस्थान. अभी हम एक बहुत ही अच्छे होटल पर आए हैं. इट इज़ अ नाइस हेरिटेज प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली आबू का एक बहुत अच्छा व्यू देख रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू बी टर्निंग दैट एंड ये संग्राम है, ये अभी अपनी फोटोग्राफ खींच रहा है एंड दैट्स पूजा एंड दैट्स गौरव. गौरव यू आर क्लिकिंग अ फोटोग्राफ, हाउ कम, इज दैट ओके? That's the people that I have to live with. And that's the background of Mount Abu that I was telling you all about. And it's actually a good background. You can see the... ये कौन सी है? कौन सी लेक है? Mount Nakhi Lake. ये नकी लेक है? Yes, this is Nakhi Lake. This is Nakhi Lake. So finally I see Nakhi Lake from the top. So this is where I am after Guru Shikhar क्या कहते हैं एडवेंचर, जहाँ पे हम ऑब्वियसली चल रहे थे धूप के अंदर, काफ़ी स्टेप्स क्लाइम किए मास्क पहनकर, बट बहुत सारे लोग कम मास्क पहन रहे थे. सो दैट वॉज गुरु शिखर के बाद अब यहाँ पर हम आए हैं. यू कैन ब्यूटिफुली सी द एंटायर माउंट आबू Nakhi Lake फ्रॉम बिहाइंड. So now even Pooja has become the photographer and she's clicking back people who are clicking her. Oh, I still have not clicked it. So you've not? No.